वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे कोर्स के बारे में जहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप इसमें सीखते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स होता है, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, मेरिट बेस्ड क्या, एंट्रेंस एग्जाम, कोर्स फीस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस पूरे कोर्स की आपकी टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसे लगेगी, सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे, कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका उन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और मैं आपको कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती है, और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक डिग्री कोर्स है, तो चलिए इस कोर्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कैसा रहता है, तो देखिए ये जो पूरा कोर्स है 3 साल का एक वैलिड डिग्री फुल टाइम कोर्स है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए 10+ टॉप का 12 होना जरूरी है, विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12 में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, देखिए एक होता है मेरिट बेस्ड, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस्ड मतलब आपके 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, और एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। आगे बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में, देखिए आपकी जो पूरी कोर्स की फीस है वो 30,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने की स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, देखिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक पर ईयर का कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, फॉरेन ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, जैसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगे। पर मैंने आपको ये जो सब्जेक्ट्स बताए इसमें से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। अभी हम आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पर आप काम करोगे। तो देखिए आप अकाउंटेंट के तौर पर आप काम कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट रिलेशंस ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हो, फाइनेंशियल डीलर एंड ब्रोकर आप बन सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टर के तौर पर आप काम कर सकते हो, पॉलिसी एडवाइजर जैसे ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। अभी हम आगे बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो जैसे बहुत सारे कॉलेज है जो बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्स को वो प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो होता है बैंगलोर में, सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन जो होता है हैदराबाद में, डॉक्टर NGP आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जो होता है कोयम्बटूर में, अनंदा कॉलेज जो होता है झारखंड में, सेज यूनिवर्सिटी जो होता है भोपाल में, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो होता है तमिलनाडु में, डॉक्टर GR दामोदरन कॉलेज ऑफ साइंस जो होता है कोयम्बटूर में, चित्करण यूनिवर्सिटी जो होता है पंजाब में। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेज, अगर आपका इन टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती है। तो देखिए इंफोसिस, TCS, अमेजोन, HDFC बैंक, ITC, पेप्सिको, फिलिप्स, नेस्ले जैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, कोर्स फीस, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज, हर एक चीज़ रिलेटेड टू बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स करने में इंटरेस्ट है, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले नए करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।